दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है मैथ लॉजिकल पजल। तो आइए चलते हैं कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन करते हैं, इफ 72 इंटू 96 इज इक्वल टू 6927 कोमा 58 इंटू 87 इज इक्वल टू 7885 कोमा देन 79 इंटू 86 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का हमारे को आंसर फाइंड करना है। चलते हैं कैसे किया जाता है। तो हम पहले लिखेंगे 72 और 96 को देख के हमारे को पता लग जाता है कि 6927 आया। तो हमें इंटू नहीं करना, हमने इसे सीधा लिखना है 6 और 2 और 7। इसी तरीके से अगला करेंगे सेम इसी तरीके से 7885 सेम आ गया। अब इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, पहले लिखते हैं सिक्स फिर लिखेंगे 8 फिर लिखेंगे 9 फिर लिखेंगे 7। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला इसी तरीके से करेंगे हम। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24। 24 के आगे जो संख्या है वो हमने निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो जो 24 के आगे संख्या आती है वो बताना है। तो आइए चलते हैं कैसे किया जाता है। 36 में से कितना माइनस करेगी 34 आ जाए, तो माइनस 2। तो 34 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4, तो 4 लिखेंगे। 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 माइनस का। इसी तरीके से इसमें 4 आएगा 4। अब कौन सी संख्या आनी चाहिए, माइनस 2, 24 मतलब 22 आएगा इसकी जगह। तो 22 हमारा राइट आंसर, तो 22 हमारा राइट आंसर, 22 आ गया हमारा। तो इसमें से हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट वाले इसी तरीके से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इफ 11 ब्रैकेट 170 60 कोमा 11 203 19 कोमा देन वैल्यू ऑफ 17 क्वेश्चन मार्क 18 विल बी। तो हमारे को क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड करना है। चलते कैसे किया जाता है। तो हम लिखेंगे 11 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चलते कैसे किया जाता है, करते हम 11 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 176 आएगा 176। माइनस कर देंगे हम 6 इसमें से, 6 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 170, तो 170 आ गया। इसी तरीके से इसका करेंगे 19 और 11 करेंगे हम इसको तो हमारा आएगा 209। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 को, माइनस कर देंगे हम 209 में से हम माइनस कर देंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 203 आ जाएगा हमारा। तो 203 हमारा आंसर होएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से इसका फाइंड करना हमने। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 तो हमारा देगा 300। तो 300 हमारा आंसर होगा। तो इसमें से हमारा 300 बी राइट आंसर। नेक्स्ट भी इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ लुक एट दिस सीरीज 22, 21, 23, 24, 23। तो व्हाट इज द नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो 23 के आगे जो नंबर आता है वो कौन सा है वो बताना है। तो ये चलते कैसे किया जाता है। तो 22 में से कितना माइनस करेगी 21 है, तो माइनस वन करेंगे। अब 21 में से कितना प्लस करेगी 23 आए, तो हमारा आएगा प्लस का 2। इसी तरीके से इसमें भी, तो इसमें आएगा -1 और इसमें आएगा 22 में से इसमें प्लस करेंगे 2 को प्लस करेंगे हम तो 24 रहेगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे हम तो 23 आ गया। अब 23 में से कितना ऐड करें कि 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रहेगा 25। तो 25 हमारा आंसर होगा। तो बी सी इज द राइट आंसर, सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट भी इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वाला, ए इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट 398 कोमा बी इज इक्वल टू 7146 ब्रैकेट 5 कोमा सी इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का हमारे को आंसर निकालना है। चलते कैसे किया जाता है। तो हम लिखेंगे ए लिखेंगे पहले, ए इज इक्वल टू 12
इंटू एट तो हमारा आएगा 96, 96 को हम इंटू कर देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 384 और हम इसमें ऐड कर देंगे 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 390 तो 390 हमारा आ गया। इसी तरीके से बी का करेंगे, बी इज इक्वल टू 7 इंटू 5 तो हमारा आ जाएगा 35। अब इसको हम इंटू कर देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 140। अब 140 में ऐड कर देंगे 6 तो हमारा जो है 146 तो 146 आ गया। सी का भी इसी तरीके से करेंगे, सी इज इक्वल टू 12 इंटू कर देंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 60 आ गया। अब इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 240, इसमें प्लस कर देंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 246, तो 246 हमारा आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर है, डी, डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।